नमस्ते दोस्तों, प्रियस किचन व्लॉग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में ढाबा स्टाइल मसाला पनीर लेके आई हूँ। तो कम समय में आप मसाला पनीर बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मैंने लिया है पनीर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसको मैरिनेट करने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर। तो इस तरीके से मैं डाल दी हूँ। तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ढाबा में बनने वाली रेसिपी है मसाला पनीर की। तो इसमें सबसे पहले मसाला लगा के अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। तो देख सकते हो कितने अच्छे से मसाले लग चुके हैं पनीर को। तो इसको मैं फ्रेंड्स ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। पनीर को अच्छे से मसाले लग चुके हैं तो इसको 2 मिनट के लिए मैं मैरिनेट के लिए छोड़ दूंगी। तो चलो, हमारे 2 मिनट हो चुके हैं तो चलो हम लोग इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तवे पे तेल डाल दिया है, उसी में मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। बहुत ही कम तेल में, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे आसान तरीके से बनकर फ्राई होंगे। तो देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसको पलट देंगे जो चम्मच से, देख सकते हो इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमारे पनीर है, बिल्कुल चिपके नहीं है मसालों के साथ, बहुत अच्छे से भुन रहे हैं इसमें। इसका कलर भी देख सकते, तो देख सकते हो इसको अच्छे से मैंने पलट दिया है। इस तरीके से मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई की हूँ। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। बहुत ही अलग तरीके से मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, सीक्रेट रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। चलो, हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं पनीर को साइड में निकाल देंगे। और मैंने लग दिया है ग्रेवी बनाने के लिए तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा से गर्म मसाले ली हूँ, तेज पत्ते ली हूँ, कुछ काली मिर्च, धनिया और दालचीनी और इलायची ली हो। तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी, अच्छे से खुशबू आने तक इसको परत लेंगे। मैंने 2 प्याज ली हो, उसको अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। इसको भी इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। मसाला पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। कम समय में बिना क्रीम के मैं आज आप लोग के साथ में मसाला पनीर बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और लाइक कर दीजिए। देख सकते हो हमारे पैज एकदम ब्राउन कलर हो गए हैं। देख सकते हो इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। देख सकते हो प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देख सकते हो इस तरीके से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला। तो इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 2 टमाटर ली है अच्छे से, उसको कद्दूकस किया हुआ है। आप लोगों के साथ मैं ढाबा स्टाइल मसाला पनीर बता रही हूँ। तो इसका सीक्रेट यही है कि टमाटर को अच्छे से कद्दूकस किया जाता है। इस तरीके से टमाटर को भी अच्छे से इसमें पका लेंगे। देख सकते हो हमारा ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसमें स्वादानुसार डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पकाना होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी।
इसी में मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी, तो ये मसालों का पानी है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा डालूंगी बेसन। तो फ्रेंड्स है ना चौंकने वाली बात, तो ये है हमारा ढाबा स्टाइल मसाला पनीर बनाने का सीक्रेट। तो ढाबा स्टाइल बनाने में इसमें पड़ता है मसाले में बेसन, इससे ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। देख सकते हो इसको अच्छे से भूनना है बेसन को भी मसालों के साथ में, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका ग्रेवी बनाना है। तो ये है सीक्रेट जो मसाला ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पड़ा जाता है बेसन। तो देख सकते हो बहुत ही मस्त दिख रही है ना, तो इसको मैं अच्छे से मसालों को साथ चलाएंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा डाल के पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो इसमें मैं एक कटोरी मैंने दही लिया था, इसको अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल लम्स नहीं हो इस तरीके से अच्छे से क्रीमी सा दही बनाई थी, और उसी में मैं फ्रेश दही ली हूँ, उसमें मैं ऐड करके इसको चलाएंगे। तो दही फटने का बिल्कुल भी ये नहीं है, इसमें पड़ा है बेसन तो इससे बिल्कुल दही फटेगा नहीं। तो इसमें स्वादानुसार डालेंगे नमक, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छे से इसको पका लेंगे। तो इसका है थोड़ी सी लिया है मैंने कस्तूरी मेथी, इसको हाथ से थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल दिए है, थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला, मैंने 2 से 3 कच्ची वाली मिर्च डाली हरी मिर्च। इसको मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से ग्रेवी को पका लेंगे पूरा मीडियम फ्लेम पे। तो वाव देख सकते हो हमारी बिल्कुल होटल जैसी बन गई है ना ग्रेवी, तो पूरा देखने के लिए वैसी ही लग रही है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी फ्राई किया हुआ पनीर, ऊपर से डाल देंगे पनीर, तो हमारे पूरे पक चुके हैं अच्छे से, इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, ग्रेवी भी हमारी अच्छे से बन चुकी है। तो देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको 2 मिनट के लिए पका ली हूँ। तो वाह लग रही है ना पूरे ढाबा स्टाइल, देख सकते हो कलर उसका, देख सकते हो बहुत ही मस्त और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी, और इतनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार है, बहुत ही मस्त दिख रही है। इस तरीके से आप बना लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी होगी तो लाइक जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं करती हूँ सर, वाव देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है। आप इसको रोटी के साथ में भी खा सकते हो, चावल के साथ में भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार है। आप इस तरीके से घर में बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए एकदम नए तरीके से। तो मैं आप लोगों के साथ में आज की रेसिपी लेके आई हूँ, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और खुश रहिए एंजॉय कीजिए आज की नई रेसिपी मसाला पनीर के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।